दोस्तों, क्या आप भारत के एक ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहां आप हनुमान जी की पूजा तो दूर की बात है, आप हनुमान जी का नाम भी यहां पर नहीं ले सकते। हालांकि है तो ये हिंदुओं की जगह, पर यहां पर आकर अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हैं तो आपकी खैर नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस जगह पर जो हनुमान जी इस जगह के दुश्मन बन गए? दोस्तों, ये घटना बड़ी दिलचस्प है और जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तराखंड राज्य में एक जगह है जिसका नाम है द्रोणागिरी गांव। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वो यहीं पर स्थित था। क्योंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे, इसीलिए वे हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज़ हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार, जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुँचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी उड़कर पर्वत पर गए, पर बूटी कहाँ होगी ये पता ना कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाले पर्वत दिखाया तो हनुमान जी ने उस पर्वत के काफ़ी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान जी की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, और आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया हुआ नहीं खाते और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती है। दोस्तों, आज भी इस गांव के लोग हनुमान जी से अपनी दुश्मनी निभाते चले आ रहे हैं और शायद आगे भी निभाएंगे। दोस्तों, क्या आपने इस गाँव के बारे में पहले कभी सुना था? अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एड्रेस मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर आकर इस गांव को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।